आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं वालेकुम जनाब मेरा नाम कामरान है और मेरा सवाल ये है कि हमारी नज़र सलाम फेरते वक्त कहाँ पर हो कंधे पर हो या फिर आंखों के एकदम सामने हो एक भाई साहब हैं कामरान भाई इनका पूछना यह है कि सलाम फेरते वक्त हमारी नज़र कहाँ पे हो यानी कंधे पर हो या सामने हो कहाँ पे हो तो देखें सलाम फेरते वक्त दाई तरफ मुड़ना है बाई तरफ मुड़ना है और दाई तरफ मुड़ के ख़ास क्या चीज़ देखनी है कहाँ निगाह को टिकाना है इस बारे में कोई हदीस नहीं है ना दाई तरफ से मुतलिक और ना बाई तरफ से मुतलिक यानी मामला उस उस्त का है कि आदमी गर्दन घुमाए दाई तरफ बाई डिफाल्ट जो चीज़ भी उसको दिखती है उसको दिखे कोई मसला नहीं बाई तरफ मोड़ दे जो चीज़ दिखती है दिखे

यहाँ तक कि आपके रुखसार की सफेदी दिख जाती थी तो आप ऐसे जब चेहरा घुमाते थे तो आपका रुखसार दिखता था दाई तरफ और बाई तरफ घुमाते थे तो आपका रुखसार दिखता था यानी बतलाना ये मकसूद है कि पूरी तरह से चेहरा आप घुमा देते थे दाएँ भी पूरी तरह से आप घुमा देते थे और बाएं भी आप पूरी तरह से घुमा देते थे ये हदीस में आया है कि दाई तरफ घुमा देते थे बाई तरफ घुमाते थे ऐसे हमको चेहरा घुमाना है अब चेहरा घुमाते हुए आंखों के सामने बाय डिफॉल्ट जो कुछ दिखता है वो दिखे कोई मसला नहीं तो ऐसी कोई चीज नहीं कि किसी खास चीज पर टिकटी बांध के देखना है उसको उसी चीज को नहीं आप चेहरा घुमाएं जहां भी निगाहों का फोकस जहां भी होता होने दें कोई मसला नहीं इसमें है इसलिए जब शरीयत में उसकी कोई हदबंदी नहीं की गई है कि खास निगाहों को कहाँ रखना है तो जहां भी निगाहें जा रही हैं उनको जाने दिए यानी सामने आप करें सामने निगाह जो भी सामने चीज आ रही है कोई मसला नहीं है उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा